दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं शादाब मलिक, आपका दोस्त। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शादाब मलिक विजन। तो भाइयों, आज मैं यहाँ यूपी में हूँ। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता था? कुशाम्बी। ये कुशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है और गांव का नाम है महंगाव। तो यहाँ पे बहुत पुराने टाइम से शौक चल रहा है। मैं आपको सर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये अपने बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। और बड़ी खुशी हुई आपसे आज रब्ता करके, मुलाकात हुई आपसे। आपका कुछ नाम सर? शफीक अहमद जाफरी साहब की टेरिस है और बहुत शानदार शौक करते हैं। और ये साहब के साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये हमारे दोस्त हैं, पहली वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये हमारे रेहान साहब हैं, हमारे बहुत छोटे भाई के जैसा रिलेशन है। बहुत शानदार ये शौक करते हैं यहाँ पे। ये हमारे चाचा जी के बेटे हैं। तो चाचा जी, जैसे आज आपको पूरा वर्ल्ड देख रहा है, कैमरे के सामने आप बैठे हो, तो थोड़ा सा मुझे इस शौक के बारे में बताइए। शौक किस तरह का शौक है ये? शौक हम बचपन से, हमारे थोड़ी सी जोर से वहाँ से जाए। हाँ, हमारे साहब पहले थे पहले जी, तो अक्सर जो है हम लकड़ी पेटी रखी हुई थी। अच्छा। हमारे अम्मा ने कहा कि जो है ये तुम्हारे साहब से पहले थे और तुम्हारे बड़े भाई जहाज में डूब के मर गए थे। ओहो, जो पानी का शिप चलते थे जी, तो उसमें हटा दिया उनको लोग। ईमान जो है जी, ये एक अवतर वैसे जो है मामला था। हम बचपन था हमारा, हमने पाल लिया सन 80 से। हमने कबूतर पाल लिया। अच्छा, 1980 से सर ने कबूतर पाले। हमको कोई बीमारी नहीं, कोई ठीक नहीं हुई उनको। ये कबूतर से हम जो है अक्सर बचपन से हम इसमें लगे रहे। अच्छा। पढ़ाई लिखाई भी की हमने, कारोबार किया माशाल्लाह, अल्लाह शुक्र है, कोई किसी तरह कोई बात नहीं। अच्छा, कैसा शौक लगता है आपको? ये शौक किस तरह का? ये शौक तो है बहुत महंगा शौक। अच्छा, मगर ये शौक जो है सब शौक अच्छा शौक है मेरे घर में। हाँ, ये शौक लोग कहीं गलत जगह नहीं जा पाते, बच्चा गलत जगह नहीं जा पाता, गलत कदम नहीं निकलता। इसमें अपना घर में रहता है, अपने घर में जो है इसी में लगा रहता है। सबसे बड़ी बात है बच्चे घर में रहते हैं। हाँ, इसमें लगे रहते हैं। सही, गलत जगह नहीं जा पाते, गलत टाइम नहीं पाते, तो कहीं जा नहीं पाते। तो जैसे अभी आपके साहबजादे, आपके बेटे शौक कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील होता है इनका शौक देखकर? हमें अच्छा शौक है, फील है, इसलिए कि मैं देखता हूँ बच्चा मेरे सामने रहता है, पढ़ाई लिखाई सब काम करने के बाद मेरे घर रहता है। बहुत बढ़िया आपका मैसेज है। तो कोशिश करो अपने बच्चों में, अगर शौक आप देख रहे हो तो उनको सपोर्ट करो आगे। और यही रहे कि गलत काम में बच्चा ना पड़े, अपने गलत कामों से बच करके घर पे रहे, अपने कबूतरों में देखभाल करे, बहुत बड़ी बात है। हर चीज़ फारिग हो के अपना, ये नहीं कि कोई अपने काम नुकसान करे, पढ़ाई लिखाई चीज अपना टाइम वेस्ट करें। जो भी टाइम फालतू बंद, कहीं जाने का वक्त खराब लगा हुआ, ज़्यादा जाने में मज़ा नहीं है। अब लोग तो हर तरीके से रखते हैं जी, जी गलत जगह जाते हैं गलत तरीके से। बहुत बढ़िया, बच्चे से गलत मतलब पैगाम जाता है। मैं चाहता हूँ बच्चा हमारे इसी में लगे रहे, अपनी लाइफ इसी में जो है घर पे रहे। हाँ, आपने पढ़ लिख रहा है, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ शौक हो रहा है। हाँ, बीएससी भी फाइनल है, अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह, माशाल्लाह। बाकी और रियान भाई बीएससी कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशन भाई, बधाई हो बहुत बहुत आपके। इंशाल्लाह बहुत अच्छे परसेंटेज मार्क्स आपका आएंगे, रीजन आएंगे। हमारे हिसाब से हम बचपन अपना इसी में खो दिया है। इसी से बहुत गलत जगह थे हमारे, लाइन सही वापस आ गए। बहुत बढ़िया। तो सर, जैसे आपके यहाँ की ब्रीड हमने सुना है कि कल सर आपके यहाँ बहुत बढ़िया है, जो कल सिरे छापदार जी है हमारे, और जो कल दो में कल पर हुए हैं नील दो में, वो भी बहुत शानदार हुए हैं सर के। तो मैं वो दोनों ब्रीड का शो कराना चाहूँगा। हाँ, उनके रिकॉर्ड बताइए कि लास्ट कितने उड़े आपने? कम से कम 2-2.5 3 बजे, कम से कम 2 से 2.5 बजे 3 बजे तक परवाह है। बहुत मर जाते हैं छत के गिर के, मगर कहीं गिरे नहीं जाते। अच्छा अच्छा, मतलब पक्कापन बहुत है, वापसी बहुत ज़्यादा है जी। तो सर, वो कौन सी ब्रीड है जो आपके पास है कल सर? वो लोकल ब्रीड है या कहीं बाहर की है? नहीं, हम तो बचपन से लाए थे, अब रखे हैं, अब वो सब फेट होगी नस्ल, उसी में नस्ल हमारी है। तो मैं आपको देखा, सबको शौक कराना चाहूँगा एक बार, एक पेयर वही नस्ल है, वही नस्ल है, चलिए बड़ा प्यार हो दिखाई दे, वो दिखाई दे कल सर में जी। यही है इलाहाबाद, एक खान साहब ने दिया था हमको। अच्छा अच्छा, उनकी नस्ल। हाँ, हम बचपन इलाहाबाद से जी, तो हम वो, हाँ वो मर गए थे मशहूर, उन्होंने कहा कि हम देख तुमको को देखे जा रहे हैं। अच्छा, हाँ याद करिएगा, वही नस्ल चली आ रही है। बढ़िया ब्रीड लाइन है, बहुत अच्छी। आप गर्मी में शौक करते हैं सर्दियों में? नहीं सर, गर्मी में शौक है। वही मैं कंफ्यूज था, क्योंकि 2:30-3 बजे तक आपने उड़ान बताई, तो गर्मियों में बहुत, सर्दियों में तो कबूतर नहीं बैठ पाएंगे रात रह। हाँ तो नहीं नहीं उतर पाते गर्मी में। तो ये मादा है? ये हाँ मादा भाई। ये थोड़ा सा शौक कराएंगे हम सभी अपने जो हमारे फैंस हैं, हमारे दर्शक हैं। तो भाई ये नज़दीक से आप शौक कीजिए, जोड़ का पेयर का शौक कीजिए।
मैं आपको पहले नर का शौक कराऊंगा, उसके बाद फिर मादा का शौक कराऊंगा। यहाँ इधर साइड में ये देखिए कबूतर की आईज का क्लोजअप देखिए, इसकी आईज पे भाई वाह, वाइट आईज का एक कबूतर है, बहुत बढ़िया। और ये ऊपर में देख सकते हैं आप, हल्की हल्की छाप है इसकी कमर पे, और विंग्स बहुत शानदार हैं, ये बहुत शानदार इसके विंग्स हैं। और इसकी फ्लाइट भी बहुत लंबी है, देख सकते हैं ये फ्लाइट है, देखो बहुत लंबी फ्लाइट है इसकी। जैसे बात करते हैं पूंछ की, ये टेल देखिए आपको, मतलब की टेल और गुलाबी पंजे के कबूतर हैं, और नाखून वाइट हैं इस कबूतर के, मोमियाले नाखून हैं। तो सर जैसे ये कबूतर है तो इसके इसके रिकॉर्ड कैसे हैं इस कबूतर के? बहुत अच्छे इसके बच्चे हैं कम से कम हमारे पास। अच्छा इसके बच्चे आते हैं आपके? बहुत अच्छे उड़े हैं जी, बच्चे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इनका उड़ने में, बहुत सच्चे हैं निगाह के, बहुत सच्चे हैं निगाह के, सच्चे हैं बहुत सच्चे। तो उड़ान वगैरह जो आपके यहाँ होते हैं टूर्नामेंट, उड़ान उसमें उड़ाते हैं आप? जी जी उड़ाते भी हैं लोगों के लिए उड़ने के लिए, हम भी उड़ाते हैं अपने खूब काफ़ी उड़ाए, आपकी गर्मी में अगले साल भी उड़ाए हैं। ये भी ये माता इसकी है, थोड़ा सा इसको आप दिखाएंगे कि फीमेल बहुत केड़ी माता है। ये देखिए बहुत शानदार इसकी आईज, आईज का क्लोजअप दीजिए, बहुत ही जैसे कोई सितारा भर दिया हो इसकी आँख के अंदर, सुरमई कलर का, सुरमई आँखों की ये मादा है कलसरी। और जैसे हम इसके पर दिखा रहे हैं तो ये आपके सामने है, परों का साइज़ देख लीजिए आप। और ये देखिए बहुत ही लाजवाब पर इस मादा के, बस बस क्योंकि कबूतर बहुत टाइट होते हैं, भागने की कोशिश करते हैं हाथ से छूट करके। और ये टेल है मादा की, टेल देखिए बहुत बढ़िया। और पंजों का शौक करें तो ये आपके सामने इसके पंजे हैं, बिल्कुल काले नाखून है मादा के, ये देखिए गुलाबी पंजे हैं, काले नाखून हैं। तो और दूसरे पैर का शौक कराएंगे। तो जैसे अभी आपको एक कलसरे पैर का शौक कराया था, ये सेकंड पैर है, वाइट पूंछ में है ये, और गला कलसरा है इसका, कलसरे कबूतर हैं। तो सर ये जो आपका पैर है सेकंड पैर, इसका क्या रिजल्ट रहा आपके यहाँ? अच्छा इसका जो बढ़िया, इसका बढ़िया रिजल्ट रहा, तो छोटे भाई से पूछेंगे इनका टाइमिंग क्या रहा है बच्चों का? भाई इसको हमने उड़ाया ये ढाई तीन तीन बजे, ढाई से तीन बजे इसका रिजल्ट आता है। यानी कि गर्म में अगर मान लिया साढ़े पाँच बजे कबूतर जैसे उड़ते हैं नॉर्मली, तो ये आठ साढ़े आठ नौ घंटे तक इनका रिजल्ट है परवाह, डेढ़ के दो कई बार। अच्छा अच्छा, डेढ़ बजे दो बजे ढाई से तीन तक भी कबूतर आते हैं, और वापसी बहुत शानदार इनकी, मतलब ये कबूतर ऐसे नहीं कि कट गए भाग गए, जानवर ले गया तो बात अलग है, बाकी नहीं तो ये घर पर खुलेंगे, आसमान खुलेंगे सामने एकदम बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल बंद होकर उड़ते हैं? बंद होकर एकदम, वो खुलेंगे बारह के बाद, बारह के बाद। तो थोड़ा सा मैं शौक कराना चाहूँगा आप लोगों को, एक बार इस पैर का शौक कीजिए आप। ये देखिए इसकी आइज का क्लोजअप देखिए, वाओ, और थोड़ा नज़दीक से, बस बस रोक, बस ये देखिए बहुत शानदार इसकी आइज है, इसमें बहुत क्लियर इसके रिंकल्स हैं कबूतर के, ये सबसे बड़ी बात है। और अब परों का शौक करें इसके, ये देखिए परों का शौक कीजिए आप लोग, टेल यहाँ पंजे इसके गुलाबी पंजे हैं या पर हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा सिंबल होता है उड़ान का, ये आप देख रहे हैं ये मेरी उंगली के साथ में, बहुत बढ़िया जी। इसके इसके पैर का एक दूसरा कबूतर मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें भी सेम आपको यही देखने को मिलेगा, ये पैर है, लाइए थोड़ा सा इसको भी दिखाना है। ये देखिए इसकी आइस, आइस की क्वालिटी बहुत शानदार, इसकी आईज है बहुत शानदार।
और ये देखिए आप परों की क्वालिटी, वाइब्रेट हो रहा है कबूतर, देख सकते हैं आपके वाइब्रेशन कैसी है कबूतर के अंदर। ये ओरिजिनल जो पुरानी नस्लें हुई ना, पुरानी ब्रीड लाइन, ये उसकी पहचान है वाइब्रेशन। अच्छी जो ब्लड के कबूतर हैं उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है आज भी। ये देखिए बहुत शानदार कबूतर, और ये इसकी टेल है, बहुत बढ़िया टेल है। और शौक कराएं तो आपको हम पंजों का शौक, ये देखिए बहुत बढ़िया, इसके भी वही नीचे तक पर होंगे, देखिए ये दिख रहे हैं आपको पर, जैसे इसके साथ जो पैर में कबूतर है उसके भी थे, इसके भी शायद फीमेल है, वो मेल था, तो बहुत शानदार ये बनाया। अब हम आपको एक शौक कराएंगे, इनमें हल्के से ललसरे कबूतर हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे ये सर का एक पैर है लाल सर, बहुत शानदार इनकी उड़ान रही है। तो सर इनके रिजल्ट कैसे हैं थोड़ा सा बताएंगे आप? ये मादिन का बड़ा अच्छा रिजल्ट सुना है उड़ना, ये खुद भी उड़ी आपके यहाँ? बच्चे कितने उड़ जाते हैं? 12 क्लास में। अच्छा, 12 बजे कम से कम एक एक कली का बच्चा उड़ते हैं, कहीं गिरते नहीं जिंदगी में। अच्छा, ये मादा आपसे पूछेंगे भाई, ये मादा कितनी उड़ी आप? अगर भाई ये मादा हमारे थोड़ा सा जोर से बताओगे, क्योंकि दर्शक हमारे यहाँ 3-3 बजे बैठी है, 3 बजे तक का मादा का रिपोर्ट। इसके जो बच्चे हैं ना निकलते हैं 6 बजे बैठते हैं। अच्छा, 6-6 बजे तक लास्ट जो बच्चे दस से साफ हो जाता है वो 6 बजे तक आ जाता है। छोटा बच्चा एक कली का 12 बजे तक उड़ जाता है। वापसी बहुत अच्छी है और वापसी भी ज़बरदस्त है, तो बहुत शानदार चीज़ है। 7 दिन के बाद इसके बच्चे वापस आए करते हैं। तो जैसे ब्रीडिंग के मामले में देखा जाए तो नर मुझे ज़्यादा कामयाब लगता है, क्योंकि उड़ान सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, ब्रीड का अच्छे ब्रीड लाइन का होना महत्वपूर्ण है। इसमें वो क्वालिटी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप थोड़ा पकड़ लीजिए, आइए। ये देखिए कबूतर की आइस दिखाइए, बिल्कुल वाइट आइस, बिल्कुल वाइट आइस का ये कबूतर है, बहुत ही शानदार। जैसा इसका कलर है आप देख सकते हैं, इसका सर लाल सरा है और बहुत शानदार है ये, यहीं रखो उंगली नहीं मारूं। और ये चोंच देखिए इसकी, बिल्कुल मोमियाली चोंच बोलते हैं इसको, कलर के हिसाब से जो उसका अपना खुद का कलर दिया है वही हिसाब से इसकी चोंच है। विंग्स देखिए, बहुत बड़े बड़े इसके विंग्स हैं, बहुत ही शानदार। और ये देखिए ये टेल है इसकी, टेल देखिए आप, हाई फ्लायर कबूतर है ये, और ये पंजों का देखिए। और मैं आपको एक शौक और कराऊंगा, इसमें थोड़ा पीछे ले जाऊंगा मैं आपको, जो छापदार कबूतर हुए हैं कल सरे छापदार, उनके भी शौक कराना चाहूंगा। तो सर ये जो आपके साथ में छापदार कबूतर है इनका थोड़ा इनके बारे में बताएंगे, ये छोड़ दीजिए इन, सर इनका रिजल्ट कैसा आपका? जो छापदार जालदार बोलते हैं, हाँ हाँ छापदार जालदार एक ही होता है। हाँ हाँ, ये हमारे यहाँ जालदार करते हैं। जी जी है। जी जी हाँ, ये काफ़ी अच्छे कबूतर हैं, अच्छे बच्चे बोलते हैं। थोड़ा सा सर जोर से बोलोगे तो सबको आवाज़ आएगी। ये पुराने जालदार हमारे हैं, नस्ल इनकी काफ़ी दिन चली आ रही है, 20-25 साल उसी में नस्ल से है, उनके बहुत अच्छा है। तो देखा साइज छोटे, काफ़ी छोटे ही हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको ब्रीड, असल में कबूतर पता नहीं कुदरती क्या मसला है, या तो मेरे हाथ में ज़्यादा तुड़पाता है या ये है तेज कबूतर। नहीं नहीं, मजबूत है खाई थी भाई। हाँ देखिए देखिए देखिए, जैसे उसको कुछ परेशानी हो हाथ में ऐसा लगता है, देख सकते हैं आप जी। ये पैर है लड़ रहे हैं जी, मैं शौक कराऊँगा अंदर का। ये देखिए आइस का शौक कीजिए, बहुत शानदार इसकी आइस, बिल्कुल वाइट आइस का कबूतर है। और आप देख सकते हैं इसका जो गला है वो जामनी गला है इसका, बहुत बढ़िया। और ये छाप देखिए इसके ऊपर, ये रेडनेस कितनी है इसकी छाप के ऊपर, बहुत रेडनेस, परों में भी रेडनेस दिखती है। ये इसकी एक क्वालिटी होती है, ये एक अच्छी छापदार की पहचान है कि उसके परों में भी आए, अगर लाल रंग है तो लाल ही आएगा, काला है तो काला इसमें आना चाहिए। टेल देखिए इसकी, ब्लैक टेल का कबूतर है छोटा। और पंजों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सुर्ख पंजे हैं।
तो वीडियो हम शॉर्ट करेंगे, इसीलिए अब हम आपको शौक कराते हैं जो कल परे और कल दुमे नील दुमे जो कबूतर है उनका शौक कराएंगे। तो अब हम इसके बाद में आपको शौक कराएंगे कल परे कबूतरों का। दोस्तों अभी हमने आपको शौक कराया कल सिरे का, कल सिरे जालदार लल सिरे। अब मैं शौक कराऊंगा आपको नील दुमे कल दुमे कल परे कबूतरों का शौक, बहुत शानदार शौक है। तो सर ये पैर में देखना चाहूँगा आपके जो हाथ में, ये एक कल दुमा कल परा का पैर है, इसकी मादा भी इसी तरह की है, ये देखिए बहुत बढ़िया ये पैर, बहुत शानदार पैर। देसी कबूतरों में इस तरह का पैर होना बहुत बड़ी बात है। बस तो सर थोड़ा बताइए इसका क्या रिजल्ट रहता है इनका, इनका एक एक बजे तक का रिजल्ट आ रहा है सर, बड़े साइज से कबूतर है। जैसे अभी आपने देखा ये कलपुर का शौक और आया कल दुमों का, सर ने बताया आपको कि इनकी उड़ान एक 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 से डेढ़ बजे तक होती है गर्मी में। तो मैं आपको शौक कराना चाहूँगा, थोड़ा सा कैमरा फोकस में लीजिए, ये बहुत शानदार कबूतर है, मुझे बड़ा पसंद आया कबूतरों में। आइस का शौक देखिए, बहुत शानदार इसकी आइस है, आइस का शौक कीजिए। और काली चोंच का ये कबूतर है, परों का साइज़ देखेंगे तो उसका बहुत शानदार इसका परों का साइज़ है, ये देखिए। ये देखिए बहुत बढ़िया। और अगर हम दुम देखेंगे, दुम की बात करेंगे तो इसकी टेल है ब्लैक टेल है, पूरा कबूतर देखो ब्लैक टेल, ये शानदार इसके पंजे हैं, बिल्कुल सुर्ख जामनी पंजे। ये पहला कबूतर मेरे हाथ में आया इसके बिल्कुल सुर्ख जामनी पंजे हैं जो होने चाहिए, बहुत नाइस। छोड़ दीजिए उसी को, छोड़वा दो। और ये देखिए नीलदुमा कबूतर सर, ये एक ही परिवार है, सर ने हमें बताया कि इसमें नील दुमे कल परे कल दुमे सब बनाती है, कुछ काली चोंच आते हैं कुछ वाइट चोंच के भी समाते हैं, ऊपर से इनका एक ही ब्लड है, बहुत बढ़िया। चलो और ये परों का साइज देखिए, विंग्स देखिए कबूतर का, पल्ले कितने शानदार हैं। अगर बात की जाए तो कबूतर के इतने शानदार पल्ले बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि बड़े साइज़ के कबूतर हैं ये, ओरिजिनल ब्लड लाइन है। ये देखिए और पंजों का शौक, पंजों का शौक देखिए, पंजों का शौक बहुत बढ़िया। लीजिए सर ये पूरा एक पेयर है, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो ही जा रही है, तो मेरी माता का नहीं, मैं एक पेयर को शौक कराऊंगा आपको, दिखाइए। ये देखिए कल दुमे कल परा पेयर एक और है, सफेद चोंच, ये बिल्कुल वाइट चोंच का एक पेयर है, सफ़ेद चोंच का जो बोलते हैं, पूरा कबूतर आना चाहिए, ये ध्यान रहे आपको कबूतर पूरा साइज आना चाहिए। ये देखिए 20 के 20 पर काले होंगे इसके, कल परे कल दुमे वाइट चोंच में, सफ़ेद चोंच के कबूतर, बहुत शानदार। मैं शौक कराता हूँ आपको, आइए नज़दीक पीछे होगा थोड़ा चप्पल देखते हैं। हाँ ये देखिए बहुत ही शानदार, आइस पे फोकस कीजिए, वाह वाइट इसकी चोंच है, बिल्कुल वाइट चोंच। और ये देखिए परों को अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत चौड़े चौड़े इसके पर हैं, बहुत ही शानदार। देखो ओरिजिनल ब्रीड जो होगी ना, ओरिजिनल की तो बात ही अलग होगी भाई। ये पूंछ देखिए इसकी, पूंछ और ये पंजे देखिए, सुर्ख जामनी पंजे इसके भी, बहुत शानदार। बस भाइयों मैं वीडियो शॉर्ट करूँगा, क्योंकि 20 मिनट के ऊपर वीडियो होगी, मैं नहीं चाहूँगा कि आपका ज़्यादा टाइम लूँ। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट कराता हूँ कबूतरों का, आइए
लीजिए थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्ट शॉक करा देता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा टाइम लगे वीडियो में, कम टाइम में पूरी वीडियो आपको समझ आ जाए बहुत बढ़िया बात है। ये सारे कल परे कल्दुमे कबूतर हैं, हाई फ्लायर देसी कबूतर हैं, बहुत शानदार। तो आप देख सकते हैं आपके सामने में हैं, बहुत ही बढ़िया कबूतर, बहुत शानदार इनकी क्वालिटी। भाइयों जैसे अभी हमने आपको शौक कराया, कल सरे कल्दुमे कल परे नीलदुमे सारे मेरे ख्याल से बढ़िया ब्रीड लाइन थी, आपको पसंद आएगी उम्मीद करता हूँ। तो सर ने जैसा आपको मैसेज भी दिया इस वीडियो में, थोड़ा उस पर ध्यान दें बारीकी से कि बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है, और शौक अगर कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करो ताकि वो अच्छा शौक करें, क्योंकि गलत रास्तों से बच्चे बच जाते हैं। तो सर मैं आपसे दिल से आपको थैंक्स बोलता हूँ और सल्यूट करता हूँ दिल से ऐसे अच्छे महान खिलाड़ी को जो इस शौक को इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं कि अपना खुद का बेटे को इस शौक में लगाया और उसको गलत रास्तों से बचा के सिर्फ घर पे रखा ताकि नज़रों के सामने रहे और शौक करता रहे। तो अगर आपको सर की ये बात बढ़िया लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और शौक को बढ़ावा दें, और वीडियो को आगे भी लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि वो लोग भी शौक कर सकें, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।